लोग सांसों को तरस रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को लोग आंखों के सामने एक एक सांस के लिए जंग करते हुए देख रहे हैं, उनकी एक एक सांस की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं ये मजबूर लोग। कभी ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं तो कभी जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसके लिए मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन कुछ बेशर्म और बेहया लोग ऐसे हैं जो ऐसे वक्त में उन मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो अपने परिजनों के लिए जिंदगी ढूंढते फिर रहे हैं। उन लोगों को ढूंढकर ये उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये दो बेशर्म और घटिया लोग। इनके खिलाफ उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। इन दोनों के खिलाफ जिनके फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनको पहचान लो। इन दोनों युवकों में एक का नाम है मोहम्मद अबीर, जो सवीना का रहने वाला है, और दूसरा युवक है मोहित पाटीदार, जो डूंगरपुर चीखली का रहने वाला है। 2800 रुपए की कीमत में आने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि बहुत जो कोरोना पेशेंट है उसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है, उसको ये लोग 35,000 रुपए में बेच रहे थे। और आपको एक बात और जानकर ताज्जुब होगी कि इसमें से जो ये मोहम्मद अबीर है, उदयपुर सवीना निवासी, वो जो बड़ा निजी हॉस्पिटल है गीतांजलि, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट है, और दूसरा जो मोहित पाटीदार है वो भी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और इन दोनों की मिलीभगत जो सामने आई है वो कमाल की बात ये है कि संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमबी अस्पताल, उसका एक कर्मचारी शामिल है इसमें। ये दोनों बेशर्म इंसानियत को ताक पे रखकर इनकी लोगों की मजबूरी और जिंदगी का सौदा करने वाले थे। ये दोनों निजी अस्पताल गीतांजलि में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक पढ़ाई कर रहा है। ये दोनों 35,000 रुपए में ये इंजेक्शन बेच रहे थे। पिछले 3 दिन में करीब 46 इंजेक्शन ये बेच चुके हैं। उदयपुर पुलिस की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर इनसे संपर्क किया। सौदा होने के बाद जब ये डोज देने के लिए अस्पताल के पास, गीतांजलि अस्पताल के पास में एकलिंगपुरा चौराहे पर पहुंचे, तो गिरफ्तार इनको कर लिया गया। जांच में जो सामने आया वो ये कि चिराग कलाल नाम के व्यक्ति से इंजेक्शन ये लेते थे, और चिराग संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल का कर्मचारी है। ये बात सामने आई है, पुलिस जानकारी में सामने आई है। एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने यह बताया कि आरोपी डॉक्टर मोहम्मद अबीर खान, जो कि 27 साल का है, सवीना का, और मोहित पाटीदार जो कि 21 साल का है, वो डूंगरपुर के चीखली का निवासी है। मोहित एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में, और पुलिस को संदेह है कि इसकी चेन पूरे संभाग में फैली हुई है। इसमें मेडिकल से जुड़े कई कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। स्पेशल टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर हनवंत सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति के से सूचना मिली कि एक बड़े निजी हॉस्पिटल यानी कि गीतांजलि हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को 30,000 से 35,000 रुपये में दे रहा है। इस व्यक्ति ने भी अपने परिजनों के लिए 30,000 रुपए में एक डोज खरीदा था। इसके बाद टीम ने बोगस ग्राहक तैयार कर डॉक्टर से संपर्क किया, दो इंजेक्शन की जरूरत बताई। डॉक्टर ने प्रति डोज 35,000 रुपए मांगे। जो ग्राहक बने थे उन्होंने काफी मिन्नतें की इस डॉक्टर से, डॉक्टर अबीर से काफी मिन्नतें की, लेकिन वो एक पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर को हॉस्पिटल के पास जो स्थित एकलिंगपुरा चौराहा है वहाँ पे बुलाया। बोगस ग्राहक वहाँ पहुँचे और डॉक्टर अबीर उससे मिला, जबकि जो मोहित था, जो मेडिकल स्टूडेंट है, वो आसपास नज़र रखे हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ने ग्राहक को इंजेक्शन दिया, टीम ने उसे पकड़ लिया, बाद में कुछ दूर खड़े मोहित को भी दबोच लिया।
डॉक्टर मोहम्मद अबीर खान और डूंगरपुर के चीखली निवासी मोहित पाटीदार से पूछताछ में काफ़ी खास जानकारियां सामने आई। पुलिस जांच में ये सामने आया कि दोनों चिराग कलाल से इंजेक्शन खरीदते थे, जिसका एमबी हॉस्पिटल में कार्यरत होना सामने आया है। चिराग 23,000 रुपये में इन दोनों को इंजेक्शन देता था, यानी कि एक डोज इन दोनों को 23,000 रुपये में देता था। इसके बाद में ये 30 से 35 हज़ार रुपये में आगे बेचते थे। पिछले 3 दिनों में ये दोनों डॉक्टर 46 लोगों को डोज बेच चुके हैं। मतलब इन लोगों के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने कड़े शब्द कहे जाए कम है। ये लोग गुरुवार को 12 डोज सप्लाई करने वाले थे, इसमें से 4 डोज डूंगरपुर भेजे जाने थे। इसकी पूरी तैयारी भी इन्होंने कर ली थी, इन्होंने 12 डोज के फोटो भी ले रखे थे। स्पेशल टीम की ओर से इनसे सौदेबाजी के लिए भेजे गए ग्राहक ने बुधवार को जब इनसे अपने परिजन की हालत गंभीर होने की बात बताई तो इन्होंने 35,000 रुपये मांगे। इस पर ग्राहक ने इनके आगे काफ़ी गिड़गिड़ाया कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कुछ कम कर दीजिए। लेकिन इन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा, इन्होंने 35,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं किया। यहाँ तक कि जो डॉक्टर अबीर है वो ये तक कहने लग गया कि रमज़ान का महीना है, हराम का पैसा नहीं लूँगा। अरे बेशर्म, ये हराम का ही पैसा है, जबकि इंसानियत ये होती कि रमज़ान के महीने में किसी मजबूर को अपने पास से ये इंजेक्शन देता। और रमज़ान के पाक महीने को इस तरीके से तुम बदनाम करते हो। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएं, ये डॉक्टरी के पेशे में नहीं रहें। वैसे तो ये समाज में रहने के लायक नहीं है ऐसे लोग, जहां लोग मर रहे हैं, ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं, वहां ये लोग ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को समाज को भी इनको बायकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।